सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, कुछ होंगे। एक धमाकेदार वीडियो के साथ आप लोगों के पास हाजिर हुए हैं फिर से पीएम मोदी, पीएम नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ, जो कि पीएम योगी आदित्यनाथ हैं, उनके पास कौन कौन सी गाड़ियां हैं वो हम लोग आज देखने वाले हैं इस वीडियो में। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। तो प्लीज़ वीडियो अंत तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर, मेरी पिछली वीडियो जाकर जरूर देखिए। तो देखते हैं दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम आदित्यनाथ योगी, ये दोनों हमारे देश के बहुत ही प्रमुख राजनेता हैं। इन्हें केवल देश भर में नहीं बल्कि दुनिया भर में जाना जाता है। जहां पर नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और इस टाइम पर दूसरी बार देश की पीएम बने हैं और बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं, तो दूसरी तरफ आदित्यनाथ योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और ये भी दूसरी बार ही सीएम बने हैं उत्तर प्रदेश के। और योगी जी की लोकप्रियता इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, योगी जी को पीएम मोदी जी के बाद प्रधानमंत्री पद का चेहरा भी माना जा रहा है। तो खैर, कारों के मामले में दोनों ही राजनेता किसी भी कम नहीं है, लेकिन कारों के मामले में कौन किससे आगे है, आइए इस 2-3 मिनट की वीडियो में पता करते हैं। तो वीडियो को जल्दी शुरू करते हैं। सबसे पहले सीएम योगी जी की कार पर बात करते हैं। नंबर 4 पर है टाटा सफारी। इनके पास कार का ओल्ड मॉडल है और उस कार का फैन बेस आज भी बना हुआ है। इस कार की टॉप स्पीड 160 किलोमीटर/आवर है और इसमें 2 लीटर टर्बो डीजल इंजन आता है। कीमत की बात करें तो 16 लाख। नंबर 3 पर है टोयोटा फॉर्चुनर। इनके पास कार का ब्रांड न्यू मॉडल है। इस कार में 2.8 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन आता है और फॉर्चुनर 180 किलोमीटर/आवर आराम से पकड़ लेती है। इस कार की कीमत 45 लाख रुपए है। और मैं आपको बता दूं, योगी जी के पास इसी कार का ओल्ड मॉडल भी है। नंबर 2 पर है मर्सिडीज बेंज ML350। यह इनकी सबसे ज्यादा लग्जूरियस एसयूवी कार है। इस कार में V6 डीजल इंजन आता है और ये कार आसानी से 10 किलोमीटर/लीटर का माइलेज भी निकाल देती है। अखिलेश यादव जी के पास भी यही सेम कार है। इस कार की इंडियन मार्केट में कीमत 70 लाख रुपए है और इस कार की टॉप स्पीड 225 किलोमीटर/आवर है और 0-100 की रफ्तार ओनली 11.5 सेकंड में पहुंच जाती है। नंबर 1 पर है टोयोटा लैंड क्रूजर। इस कार में 3.5 लीटर V8 डीजल इंजन आता है और ऑफ रोडिंग के मामले में भी यह कार एक चैंपियन है। और यह कार बिल्ड क्वालिटी के मामले में भी नेक्स्ट लेवल की है। इस कार की कीमत कितनी होगी, तो 1,30,00,000 रुपए। चलिए अब पीएम मोदी जी की कार पर बात करते हैं। नंबर 5 पर है टाटा सफारी। इनके पास भी इस कार का ओल्ड मॉडल है, लेकिन ये कोई आम मॉडल नहीं है बल्कि एक बुलेट प्रूफ मॉडल है। इस कार की टॉप स्पीड 160 किलोमीटर/आवर है और इस कार की इंडियन मार्केट में कीमत 70 लाख रुपए है। वैसे तो उसका नॉर्मल मॉडल 16 लाख रुपए में ही आ जाता है, क्योंकि ये बुलेट प्रूफ मॉडल है इसीलिए इतना ज्यादा महंगा है। नंबर 4 पर है टोयोटा लैंड क्रूजर। इस कार में 4 लीटर V8 डीजल इंजन आता है और यह कार फुली बुलेट प्रूफ है और यह कार किसी भी हमले को आसानी से झेल सकती है। इसका टॉप स्पीड 200 किलोमीटर/आवर है। मोदी जी के पास इस कार का ब्लैक कलर का मॉडल है। इस कार की इंडियन मार्केट में कीमत पूरे 4 करोड़ रुपए है। नंबर 3 पर है BMW 760 Li। यह BMW की एक 7 सीरीज की लग्जरी सेडान कार है। इस कार में बुलेट प्रूफ वाले फीचर्स भी हैं, जो कि इसमें 4 चांद लगा देते हैं। इस कार में 6 सिलेंडर पेट्रोल इंजन आता है और टॉप स्पीड की बात करें तो 250 किलोमीटर/आवर। इस कार की इंडियन मार्केट में कीमत 6 करोड़ रुपए है। नंबर 2 पर है रेंज रोवर सेंटिनल। रेंज रोवर का यह मॉडल आम लोगों के लिए नहीं बना है, यह खास VVIP लोगों के लिए बनाया गया है। इस कार की टॉप स्पीड 230 किलोमीटर/आवर है और यह कार बुलेट और बॉम्ब प्रूफ होने के कारण इस कार की कीमत 8 करोड़ रुपए तक पहुंच जाती है। इनकी सबसे महंगी कार है मर्सिडीज मेबैक 650S। इस कार में लग्जरी के सभी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। अब क्योंकि ये पीएम के लिए बनाई गई है तो बुलेट प्रूफ तो होगी ही। यह कार बुलेट बॉम्ब और केमिकल अटैक को आसानी से झेल सकती है। इस कार के टायर पंक्चर होने के बाद भी लगभग 200 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं। इस कार की कीमत 12 करोड़ रुपए है। दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी जी का कार का मिजन वीडियो आपको किसका बेस्ट लगा? और अगर आपने अभी तक आदित्य राजभर और अखिलेश यादव जी का कार का मिजन वीडियो नहीं देखा जी, तो गाइस ये थी आज की वीडियो और मैं सीरियसली बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हूँ, क्योंकि ये जो मतलब कि मर्सिडीज हो गई, BMW हो गई और होंडा की जो गाड़ी, मतलब ये मे बी असेंबल इंडिया में होती होंगी इनकी, बट ये दूसरे मालिक की हैं, इस वजह से इनकी जो प्राइस है वो ज़्यादा होती है इंडिया में आके और बहुत ही ज़्यादा महंगी, मतलब सीएम योगी की और पीएम मोदी की
गाड़ियाँ दोनों की बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि एक सीएम में एक पीएम में डिफरेंस तो होता ही है। इसकी वजह से पीएम मोदी की जो गाड़ियाँ थी वो ज़्यादा सिक्योरिटी के वाइज अगर हम लोग देखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छी थी, उनकी सिक्योरिटी, और हर एक जो कार थी उनके पास वो बुलेट प्रूफ थी। और बुलेट प्रूफ होनी बनती भी है, एक मुल्क का सीएम उसका एक होता है ना कि मुख्य फेस होता है उसका, और अगर वो बंदा ही सेफ नहीं हो, उसकी ही सिक्योरिटी नहीं अच्छे से होगी, तो दूसरे लोगों की या फिर दूसरे जो भी मतलब कि वहाँ पे लोग होते हैं उनकी सिक्योरिटी की कहाँ से अच्छी होगी। इसकी वजह से पीएम की सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सीएम योगी की भी जो गाड़ियाँ हैं, मे भी वो भी कुछ बुलेट प्रूफ थी कुछ नहीं थी, बट बहुत ही ज़्यादा कमाल की दोनों की गाड़ियाँ थी। और कुछ गाड़ियाँ हैं जो कि यहाँ पे भी देखने को मिलती हैं, होंडा की और टोयोटा की जो गाड़ियाँ होती हैं, मतलब जो भी इन्होंने एक दो गाड़ियाँ थी फॉर्चूनर लगा लें या फिर लैंड क्रूजर जो थी, वो वाली गाड़ियाँ आपको मुझे मैंने मतलब यहाँ पे भी देखी हुई हैं, इस वजह से मुझे उनका पता है। लेकिन BMW, Mercedes और इंडिया के जो भी ब्रांड्स हैं वो यहाँ पे देखने को उतने ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं, इसकी वजह से मतलब उतना ज़्यादा उनका पता नहीं होता है। बट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग ये वीडियो थी, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग गाड़ियाँ थी। और सीएम योगी की सीरियसली मान्यता इंडिया में और यूपी के दोबारा से वो सीएम बने बहुत ही ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा दफ़ा सुनने को मिलता है कि पीएम मोदी के बाद अगर कोई और बंदा सीएम बनेगा तो सीएम योगी आदित्यनाथ ही होंगे। अभी हो सकता है अगले साल इंडिया में इलेक्शन होने वाले हैं, तो देखते हैं कि फिर क्या होता है, क्या पीएम मोदी दोबारा से आएंगे या फिर सीएम योगी आएंगे, तो वो तो बाद में पता चलेगा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, वीडियो अच्छी लगी और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, मिलते हैं कॉन्टिन्यू, थैंक यू सो मच।